महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को दावा किया कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को गिरफ्तार से बचाने के लिए कोशिश की थी। देशमुख ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए परमबीर सिंह से उनके खिलाफ आरोप लगाने को कहा था। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फडणवीस को बदनाम करने की रणनीति थी। बीजेपी ने यह सवाल भी उठाया कि एक नेता जो उस समय विपक्ष में था वह पुलिस अधिकारी से ऐसा कैसे कह सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को दावा किया कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को गिरफ्तार से बचाने के लिए कोशिश की थी। देशमुख ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए परमबीर सिंह से उनके खिलाफ आरोप लगाने को कहा था। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फडणवीस को बदनाम करने की रणनीति थी। बीजेपी ने यह सवाल भी उठाया कि एक नेता जो उस समय विपक्ष में था वह पुलिस अधिकारी से ऐसा कैसे कह सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को दावा किया कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को गिरफ्तार से बचाने के लिए कोशिश की थी। देशमुख ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए परमबीर सिंह से उनके खिलाफ आरोप लगाने को कहा था। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फडणवीस को बदनाम करने की रणनीति थी। बीजेपी ने यह सवाल भी उठाया कि एक नेता जो उस समय विपक्ष में था वह पुलिस अधिकारी से ऐसा कैसे कह सकता है।